अखंड भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। अभी आप देख सकते हैं ये हम संभालका से, पानीपत से काफ़ी दूर हैं संभालका, और संभालका से आगे अभी हम गन्नौर के आसपास हैं। आप देख सकते हो किसानों का ये जत्था, जो पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट के किसान बिल्कुल तहे दिल से दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए आप, किसानों के बच्चे किसान आपके सामने हैं, और इतनी ज़्यादा तादाद में किसान हैं कि बस पूछिए ही मत। अभी किसानों सर, नमस्कार जी, नमस्कार जी। कहाँ से पहुँचे आप? हम जलंधर से जी। जलंधर से? हाँ जी। तो तकरीबन कितना जत्था होगा अपना जलंधर से? तकरीबन 2000 ट्राली जी। 2000 ट्रालियाँ? 10,000 ट्राली। 10,000? और प्लस इधर हरियाणा का मिल के कितना हो सकता है, कितनी संभावना है? 20-25 हजार ट्राली होगी। जब तक हमारा संघर्ष नहीं टूटेगा, हम वापस नहीं जाएंगे। मोदी सरकार को हिला के जाएंगे, दस देंगे के पंजाब से जट आ गए। अभी ये किसानों ने जो सोचा है, जो ठान ली है, मुझे नहीं लगता कि किसान उल्टे हटने वाले हैं। किसान जब अपने बच्चों को सीमा की रक्षा के लिए फौज में भर्ती करता है, जब वो देश का पेट भरता है, तब वो पीछे नहीं हटता अपने सर कटाने के लिए, देश के लिए। तो ये कैसे पीछे हट सकता है? अभी हम देख सकते हैं अपने ये भाई खड़े कुछ। नमस्कार, जय हिंद, कैसे हो भाई? भाई जी, हरियाणा सरकार ने तो ऐसा हाल कर रखा है ना जी, हम अंबाला से चले हैं। आप अंबाला वाली साइड से या कनौरी वाली साइड? हम अंबाला वाली साइड से जी। चरुनी ग्रुप के बंदे हैं जी। ठीक है जी, हमारा प्रोग्राम था मोड़ा मंडी के अंदर। हाँ जी। हमने अपने गांव से ट्रैली निकाली जी, पुलिस ने कोई बात नहीं करी जी। हमारे ऊपर सीधा लट्ठी चार्ज किया, हमारा एक ट्रैक्टर बाउंड करके थाने में खड़ा दिया। अभी देखिए अपने किसान भाइयों का क्या कहना और इनके दिल की भावनाएं क्या है। अभी जो किसान भाई अपनी मांगे मनवाने के लिए शांतिप्रिय तरीके से ही तो दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर वो आदिल शाही, वो निजाम शाही, वो मुगल शाही वाला शासन लागू करके लाठी चार्ज करने का मतलब क्या था? गवर्नमेंट क्या चाहती आखिर, किसानों के साथ आगे बढ़ना या किसानों के से रुष्ट होकर किसानों को, धरती पुत्र को नाराज करके कहाँ जाना चाहती है गवर्नमेंट जी, बोलिए। तब उन्होंने हमारे बंदे भी गिरफ्तार कर लिए। हाँ जी। तब हमने जाके रोड जाम कर दिया जी। देखो, हम किसी को जान माल की नुकसान नहीं पहुँचाते, किसी को तंग नहीं करना चाहते। अगर हरियाणा पुलिस हमें तंग कर रही है, हमारे ट्रैक्टरों को पकड़ रही है, तो हमें मुश्किल से मजबूर में रोड जाम कराना पड़ता है। तब उन्होंने हमारे बंदे छोड़े, ट्रैक्टर छोड़े। अब मैं पंजाब वाले वीरों को भी एक गल कहना चाहूँगा, हरियाणा सरकार साढ़े नाल धक्का कर रही है। जे इन्ना माड़ा हाल थोड़े नाल संभू बार्डर से करती है, सारे बार्डर से करती है, जो भी हरियाणा का लीडर थोड़े पंजाब च एंट्री करूंगा, जिदा उन्होंने थोड़ा बुरा हाल किया, थोड़े वो तो ज्यादा बुरा हाल करना, असं थोड़े तन मन धन दो हरियाणा थोड़े नाल है। जो इस ये मुहिम है, जो अभी ये किसान मुहिम है, इसमें हरियाणा का किसान आपका कितना सहयोग कर रहा है? बहुत कर रहा, बहुत पुलिस ने जाम किया था। हाँ, तो वहाँ अपने हरियाणा के जो किसान भाई थे, उन्होंने अपने खेतों से ही अपने जो गेहूं की फसल थी उसी में से पूरे पंजाब वाले भाइयों को यही दसना चाहते हैं, मोदी हरियाणा का पंजाब एक वंडन की ना कोशिश कर, असी अपने हकों लड़ना जानते हाँ। असी उन्होंने बिचों जिना भगत सिंह ने पिछे नहीं मुड़ के देखा सी, ते असी भी देखांगे नहीं गे, सानू बहुता कुछ बोलना नहीं। अभी किसान ये किसान दुखी किसान रहेगा, कृपा की आइए, जब तक दुखी किसान रहेगा। अभी किसानों का जो धरना है, जो प्रदर्शन है, जो बातें हैं, जो डिमांड्स हैं, वो जायज़ है और इनमें गलत कुछ भी नहीं है। हम ऐसी पत्रकारिता करते हैं जो डरने वाली और घबराने वाली नहीं है। भाइयों, चाहे कभी भी हमारे ऊपर कुछ किसी प्रकार का आरोप लग सकता है गवर्नमेंट से, लेकिन आपकी कृपा आगे आए, आपकी कृपा आगे आए। नमस्कार जी, जय हिंद, जय भारत। ने जब तक धरती से अपना नाता रखा है तो देश हित के लिए रखा। अभी सीमा पर हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो रहे हैं, वो इस किसान वर्ग में से ही निकल के हो रहे हैं। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि भारत का इस किसान का एक बेटा तो सेना में जाकर उधर बॉर्डर पर जाकर शहीद हो रहा, और दूसरी तरफ अपने दूसरे भाई, जो एक भाई से शहीद हो रहा और दूसरा भाई सड़क के ऊपर बैठ के हाथ में रोटी खा रहा है। तो ये बहुत गलत बात है, सरकार को देखना चाहिए। हाँ जी, बोलिए साहब, बोलिए। मैं भी नेवी से रिटायर हूँ। हाँ जी, बोलिए। हमारे बच्चे भी काम कर रहे हैं, मगर हमारी रोटी है ना जो वो मोदी छीन रहा है जी। हम मोदी से रोटी नहीं छीनने देंगे। मोदी जो कुछ मर्जी कर ले, अंबानी अडानी को
बंद कर देंगे, मोदी के साथ बंद करेंगे, जहाँ से आए वहीं से बेच के छोड़ेंगे। तो एक बार सारे भाई थोड़ा सा पीछे आए ताकि ये ट्रॉली वगैरह आगे आसानी से निकल सकते हैं। तो सर आप तो हरियाणा से हो ना? मैं हरियाणा से हूँ, मैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र मलिक मेरा नाम है। हाँ जी, जो ये किसानों के खिलाफ जो 3 अध्यादेश लाए थे, ये सिर्फ किसानों को नहीं तंग करेंगे, आने वाले टाइम में ये आम लोग जो उनसे हैं उनको सभी को बुरी तरह प्रभावित करेंगे। किसान तो फिर भी अपना 2 अन्न खेत में कर लेगा, लेकिन इनको जो आम आदमी है, जो कर्मचारी छोटे हैं, तो पैकेट में बंद खाना अन्न मिलेगा, आटा मिलेगा, वो कहाँ से लेंगे जो एक एक साल का पहले डाल के रख लेते हैं। और पूरा अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति अपने पहले किसान है, उसके बाद जाट है, पूरा आह्वान है, पूरा तन मन धन से इसके साथ रहेंगे, साथ देंगे, और फड़क भी मेट दें, कोई काम काई का कोई फंडा में। तो अगर अभी आप जैसे पानीपत से टोल टैक्स से ही अपना काफिला शुरू हुआ है, तो हरियाणा वाले अपने पानीपत वाले कितने भाई जुड़े हैं, कुछ अंदाजा आपको? हजारों की संख्या में है जी, और गांवों से चल रहे हैं। जी जी, पता क्या, जो पानीपत से आए ना उनको अब गांवों से चल रहे हैं, वो रास्ते में जाम में फंसे हुए हैं। जैसे अभी ये सिवा के पास में जो रोहतक रोड था, वहाँ से भी कुछ लोग जुड़े हैं कि नहीं? वहाँ से भी जो जुड़े काफी ट्रैक्टर ट्राली और गाड़ियाँ जी, मोर्चा निकल रहा है वहीं से। कृपया क्या है भाई, हमारा भाई बताइए एक बार, पानीपत की क्या सिचुएशन थी अभी? जहाँ से भी किसान मोर्चा निकल रहा है वहीं से, छोटा छोटे से बच्चे लेके बड़े तक सब कुछ है इनके, किसान मोर्चा के साथ चल रहा है, युवा नेता, युवा जितने बच्चे हैं सब एक एक साथ चल रहे हैं। और सरकार फूड डॉलर राजगुरु की नीति अपना रही है, जैसे ये फौज में जितने भाई हैं, पुलिस में जितने भाई हैं, सब किसानों के बेटे हैं, इनको आपस में भड़का रही है, किसानों को मारो, ये करो वो करो, और कोई इनका भ्रष्टाचारी सरकार है बिल्कुल, फूड डॉलर राजगुरु की नीति अपना रही है सरकार। जी जी जी, तो अभी जो किसान बोल रहे हैं लगभग उनमें कोई भी, उनकी बातों के अंदर कोई भी गलत बात नहीं है, केवल जायज़ बात है। और हम क्यों बोल रहे हैं आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बात देश के हर इंसान तक पहुँचे कि किसान इस देश की जान है, अगर देश से देश की जान निकाल दी जाए तो देश के पास बचा क्या है। तो दोस्तों किसान देश की जान, और इस देश की जान को बचाएं, देश को मुर्दा होने से बचाएं, और किसान भाइयों का साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। जय हिंद, जय भारत, अखंड।